चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को सादर जय। जिनेंद्र जरहट के में अब आपके साथ। अब तक हमने बहुत खबरें सुनी हैं, बहुत बार आप सुन चुके लव जिहाद के बारे में, एक धर्म के लोगों व्यक्ति विशेष को दूसरे धर्म में लाकर खींचने की, जबरन डालने की। ये जबरनता हमारे यहाँ एक इस मुकाम पर पहुंच गई है कि आज तो हालत ये हो गई है, एक संत जो दूसरे धर्म के होते हैं उन्हें अपनी तरफ लाने की कोशिशें और ची हरकतें शुरू हो गई है। हमारा ये दर्श संत मुनियों ऋषियों की धरा रहा है। देवी देवता यहाँ पर जन्म लेते हैं, अपने आचरण से भगवान बनकर जाते हैं। यह इतनी अनमोल धरा है जहां पर उनके तप आचरण के कारण इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। ऐसी सोने की चिड़िया जो बाहर वालों की आंखों के कांटा बन जाती है, लूटने आ जाते हैं, छीनते हैं, लूटते हैं, लेकिन तब भी हमारी आस्था, प्रेम, वात्सल्य, नैतिकता को नहीं लूट पाते हैं। वे आज भी हमारे हृदय में हर के कण कण रस रस में जमान है। लेकिन आज शर्मनाक बात यह है, बाहर वाले लूटने आए थे, लूट के चले गए, जब अंदर वाले लूटते हैं तो बड़ी शर्म आती है अपने ही ऊपर। भारत माँ के लाल को क्या कहने में शर्म आती है। आज वोट बैंक की राजनीति इस औछी हरकत पर उतर गई है कि हम दूसरे के संत को आज उनका भगवा करने लगे लगे हैं। तमिल संप्रदाय के एक संत जो महाकाव्य रचित करते हैं, जो तमिल संप्रदाय का हर संप्रदाय उनको अपना गुरु, अपना धर्म का नेता मानता है, उसे दिगंबर संत आचार्य जी मानते हैं। उन्होंने अहिंसा का जो महाग्रंथ लिखा उसके बारे में, उनके बारे में उन्हें कहा जाता है, इतिहास ज्यादा नहीं मिलता, लेकिन ऐसे संत को जब भगवाकरण किया जाता है, ऐसी औची हरकत वोट बैंक के लिए की जाती है, पर उससे शर्मनाक तो तब होती है जब असामाजिक तत्व उनके ऊपर गोबर लेने लगते हैं, उनकी मूर्ति के ऊपर शाही डालते हैं। इससे शर्मनाक करतूत हमारी नैतिकता के लिए नहीं हो सकती। आज वोट बैंक की राजनीति सारी सीमाएं को लांग रही है। नियम कायदे कुचल दिए जाते हैं, जमीर जैसे शब्द खोखले हो गए हैं। महान तमिल संत आचार्य त्रिवल्लुवर को भगवा कपड़ों के साथ, ललाट पर आड़ा तिलक और लंबी दाढ़ी के साथ दिखाया जाता है। तमिल अस्मिता के साथ ये दखलंदाजी, छेड़छाड़ किसी तमिलवासी को बर्दाश्त कभी नहीं होगी। पर जब पिलायार पट्टी गांव में उनकी मूर्ति पर, चेहरे पर स्याही ढाल दी जाती है, गोबर लेप दिया जाता है, वह काली रात थी 4 नवंबर की, जब यह बेटूरी शर्मनाक हरकत करतूत की कुछ असामाजिक तत्वों ने की, जिसकी पता अगली सुबह स्थानीय लोगों को चलता है और पुलिस हरकत में आती है, पर अभी तक ढाक के 3 पात। आज वोट बैंक की राजनीति और बेहुदगी करतूते कितनी शर्मनाक हो गई हैं, जो इस संतों की धरा को भी कलंकित करने से नहीं चूकती। जहां तमिल के महानतम संत आचार्य त्रिवल्लुवर की मूर्ति पर गोबर फेंका जाता है, चेहरे को स्याही से बदरंग किया जाता है, ऐसी हैवानियत और कुत्सित कुकर्म पर हमारी अमूल्य संस्कृति का चीरण से इसे कम नहीं कहा जा सकता। इसके साथ ही 2000 वर्ष पूर्व इस महानतम संत को अपने खोखले वोट बैंक को हर उल्टे सीधे कुचक्र से भरने के लिए भगवा कपड़ों के साथ, ललाट पर आड़ा तिलक और लंबी दाढ़ी के साथ सबसे बड़ी पार्टी अपने अधिकृत ट्विटर पर हैंडल पर पोस्ट कर ओछी राजनीति से बाज नहीं आती। हाँ, इस पर स्थानीय पार्टी डीएमके के नेता एमके स्टालिन ने कड़ी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त की है, पर रविवार की इस प्रतिक्रिया के बाद 4 नवंबर को उनकी मूर्ति पर गोबर फेंक कर जो एक संत के प्रति जो शर्मनाक करतूत की गई, उसका अभी तक दोषियों का पकड़ा नहीं जा सका। यह बात है ईसा के 2री शताब्दी की। जैन इतिहास की दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण है। इस शताब्दी में जैन धर्म का खूब प्रचार प्रसार हुआ। इसी समय कुंद आचार्य ने 84 बाहुल रच दिए और जनश्रुति से उन्हीं के उपनाम त्रिवल्लुवर ने तमिल महाकाव्य त्रुकुरल रचा, जिसने तमिल साहित्य को उच्चतम स्तर पर पहुंचाया। यहाँ स्पष्ट कर दें कि आचार्य विद्यानंद जी सहित कुछ संत व विद्वान उन्हें कुंद आचार्य का उपनाम मानते हैं, जबकि कुछ नहीं मानते हैं, यह बात भी है। कुरल का अर्थ होता है छोटा छंद, जिसमें दोहे के समान 2 पंक्तियाँ होती हैं। विचित्रता तो यह है कि दोहे की दोनों पंक्तियों के अंतिम शब्दों में तुकबंदी होती है और कुरल छंद की पंक्तियों के प्रथम शब्द तुकांत होते हैं। कुरल को आदर के साथ बोलने के लिए उसके पहले तिरु लगाते हैं, तिरु यानी श्री लगाते हैं, इसलिए इसे तिरुकुरल कहते हैं। इस ग्रंथ में जाति, धर्म, संप्रदाय आदि की ओर ध्यान न देकर समस्त मानव जाति को संबोधित किया गया है।
तमिलवासी इसे तमिल वेद यानी ईश्वरीय ग्रंथ मानते हैं। इसी कारण इस तमिल संप्रदाय इसे अपना बतलाते हैं। जैनों के परम सिद्धांत अहिंसा इस ग्रंथ का मूल है। इसी कारण यह जैनाचार्य की रचना का दावा पुख्ता करती है। इनके बारे में कौन गुरु कौन थे, यह कौन थे, इसकी कोई पुख्ता जानकारी इतिहास में नहीं मिलती है। इस ग्रंथ में तीर्थंकर आदिनाथ व सिद्ध परमेष्ठी आदि की स्तुति की गई है। आज अपनी ओछी राजनीति व अवांछनीय कृतों से हमें बाहर जाना चाहिए। सम्मान करिए हर संत का, आचार्य का। अभी तो लोगों का धर्म परिवर्तन सामने आता था, अब तो संतों के बदलने छीनने के ऐसे षड्यंत्रों से हम सबको बाहर जाना चाहिए। और अब आपसे कहना चाहेंगे, ऐसी ओछी शर्मनाक करतूतों से हमें बाहर जाना चाहिए। शर्माती है हमें अपने भारत के लाल ऋषि मुनियों की धरती कहने पर, जब ऐसी ओछी हरकत हम एक संत के साथ करते हैं। संत किसी भी संप्रदाय के हो, उसी संप्रदाय में रहने दें। अपनी तरफ खींच ले जाने की वोट और राजनीति के चक्कर में ऐसी अदला बदली ना करें। मत डालें किसी मूर्ति के ऊपर ऐसी गोबर और ये शर्मनाक पहलू है नैतिकता वाले इस धर्म प्रधान क्षेत्र में। देवी देवता सब मानते हैं, उन्हें मानने दें। अपने ऊपर ना खींचिए, ना किसी दुर्भावना किसी के विद्वास कीजिए। आज जरहटके में आपके साथ सादर जजनी।